नमस्कार भाइयों, प्राइम मेंबर्स एंड पेड मेंबर्स, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आईपीएल 2018 वीवो में। और आईपीएल 2018 के सीजन में इस बार 7 T20 मैचेस खेले जाएंगे। 7 तारीख से 27 मई तक ये मैचेस चलेंगे और शेड्यूल में आपको बता देता हूँ इसका। टीम्स जो रहेगी कौन कौन सी रहेगी, चेन्नई सुपर किंग्स वापस आ चुकी है, कैप्टन MS धोनी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, गरीब टीम विराट कोहली। गरीब क्यों बोल रहा हूँ, ये जो आईपीएल देखते हैं जो लोग जानते हैं इसके बारे में वो समझ जाएंगे कि गरीब क्यों बोल रहा हूँ मैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, अभी इसके कैप्टन डिसाइड नहीं हुए। राजस्थान रॉयल्स भी वापस आ चुकी है, स्टीव स्मिथ कैप्टन। सनराइजर्स हैदराबाद बॉलर्स की टीम, डेविड वार्नर कैप्टन है इसके। किंग्स इलेवन पंजाब ताबड़तोड़ बैट्समैन की टीम रह चुकी है ये, और बहुत सारे नए प्लेयर्स इस बार जुड़े हुए हैं सभी टीमों में, तो बहुत सारे बदलाव आए हैं। वो पूरे बदलाव हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। काम की बात कर लेते हैं पहले, वो ज़रूरी है क्योंकि आईपीएल आने वाला है तो अपना काम ज़रूरी है। मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा और दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम, टोटल 8 टीमें खेली जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स, बेंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स इलेवन पंजाब, मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयरडेविल्स। शेड्यूल आपको दिखा देते हैं, 7 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में फर्स्ट मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। 8 अप्रैल को दिल्ली वर्सेस पंजाब, कोलकाता वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, 9 को हैदराबाद वर्सेस राजस्थान, 10 को चेन्नई वर्सेस कोलकाता, 11 को राजस्थान वर्सेस दिल्ली, 12 तारीख को हैदराबाद वर्सेस मुंबई। इस टाइप से ये पूरा शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। वेन्यूज़ दिखाते हैं आपको, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, बहुत ढीली पिच है इसकी पर अब पिचेस बहुत सारी सुधर चुकी है। ईडन गार्डन कोलकाता, सबसे फास्ट ग्राउंड इंडिया का जिसमें बॉल रुकती नहीं है अगर एक बार गोली की स्पीड से निकलती है तो। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बॉल रुक रुक कर आती है यहाँ पर। चेन्नई का स्टेडियम अच्छा बैटिंग सपोर्टर है, स्पिन बहुत अच्छी होती है इस पिच पर। जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम भी थोड़ा स्लो पिच है इसकी। बेंगलोर चिन्ना स्वामी स्टेडियम, सभी को पता है कि इसका जो आउटफील्ड है वो भी बहुत तेज़ है और बैटिंग पिच रहती है यहाँ पर। होलकर स्टेडियम इंदौर, ये तो सभी जानते हैं, शुरू में यहाँ पर बॉल बहुत अच्छे वेट पे आती है, फिर थोड़ी रुक कर आती है और आखिरी में थोड़ी सी नमी रहती है इस ग्राउंड पर। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम मोहाली, ये भी बैटिंग और स्पिन को सपोर्ट करता है। तो ये वेन्यूज़ थे, IPL 2018 स्टार्ट हो रहा है और इस बार सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों की बुकिंग लूँगा मैं, इससे ज़्यादा बुकिंग नहीं लूँगा। तो ये नंबर दे रखा है, जिसको भी बुकिंग करवानी हो एडवांस करवा सकते हैं, प्रोसेस बता दी जाएगी कि कैसे करना है आपको। और 100 लोगों से ज़्यादा कृपया मेंबर्स ऐड नहीं होए, 100 लोगों से ज़्यादा बुकिंग नहीं देंगे इस बार हम IPL में।
ये ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, 100 लोग सफिशिएंट होते हैं, और मैं उन लोगों से एक प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार का जो आईपीएल है वो आईपीएल आपके सब आईपीएल से हटके होगा, क्योंकि इस बार आईपीएल में हम आएंगे बहुत सारी नई स्ट्रेटेजी के साथ में, जो कि हम लोग सिर्फ आपको ग्रुप में बताएंगे। और आपसे ये निवेदन करते हैं कि कृपया जो जानकारी हम दें वो किसी को भी नहीं देवे, और उन्हीं 100 लोगों को हम जोड़ेंगे जो समझदार होंगे, जो थोड़े से इन चीज़ों को समझने वाले होंगे। और बाकी भाई बंधुओं के लिए वीडियोस हम अपडेट करते रहेंगे, पर बहुत कम अपडेट होंगे इस बार आईपीएल 2000 में वीडियोस हमारे, क्योंकि पूरा काम हमारा बुकिंग पर रहेगा। तो बुकिंग का नंबर आपको दे रखा है, और हो सका तो एक बुकिंग और स्टार्ट कर देंगे अभी, या दूसरी बुकिंग है, पहली बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है, सब वेट कर रहे थे कि शेड्यूल आए, टीम आए, तो इसी के लिए हम बैठे हुए थे। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।